गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो ये वक्त है 7 बजे का, जब हम मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर है जमीन विवाद और हत्या से जुड़ी हुई, दुष्कर्मी फूफा, इससे जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे कहां ऐसा हुआ। 7 बजे की बड़ी खबरों में कर्ज बनी आत्महत्या की वजह, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये जानेंगे आज 7 बजे। प्रेमी जोड़े को पुलिस का आशीर्वाद मिला है। इसके अलावा बड़ी खबरों में क्रिप्टो एक्सचेंज से करोड़ों की ठगी की गई और कहां रफ्तार बना काल, ये भी बताएंगे आपको। और सातवीं सबसे अहम खबर, मारपीट का एक लाइव वीडियो जिस पर हो रही है चहू और चर्चा, वो भी दिखाएंगे। चलिए अब एक एक करके खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे अहम बड़ी खबर है भोपाल में मनी एक्सचेंज करने वाले कारोबारी के यहां रेड मारने वाले अशोका गार्डन थाने के TI को सस्पेंड कर दिया है। थाने के 6 पुलिसकर्मियों पर जल्द गाज गिर सकती है। TI पर आरोप है कि उन्होंने बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए 7 से 8 पुलिसकर्मियों के साथ ही एक्शन ले लिया। मामले की जांच पुलिस उपायुक्त Zone 1 प्रियंका शुक्ला को सौंपी गई। दरअसल अशोका गार्डन इलाके में पुलिस ने कैलाश खत्री के घर से तकरीबन 32 लाख रुपए के कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए थे। पूरी कार्रवाई TI और 7 से 8 पुलिसकर्मियों की टीम ने मिलकर की। 2 घंटे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की खबर लगी। इसके बाद जहां नोट बरामद हुए थे वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम किए बिना टीम कमरे में ताला लगाकर थाने आ गए। बाद में CCTV फुटेज में कुछ लोग ताला खोलकर सामान ले जाते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने संज्ञान लिया। TI वंदना लकड़ा को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। तो एक बड़ी और अहम खबर है पुलिस एक्शन लेने पर, वो भी बिना वरिष्ठ अधिकारियों को बताए, बिना प्रोटोकॉल्स के पूरी तरह पालन किए जो एक्शन लिया, अब इस पर भी एक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो जो इस काम को करने वाली अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया है। 6 पुलिसकर्मियों पर अन्य गाज गिर सकती है। TI पर यह आरोप है कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों को बताए ही उन्होंने ये पूरा एक्शन प्लान बना लिया, 7 से 8 पुलिसकर्मियों के साथ ये कार्रवाई कर दी। अब पुलिस उपायुक्त हैं Zone 1 की प्रियंका शुक्ला, वो इस पूरे प्रकरण को जांचेंगी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हुआ यह कि अशोका गार्डन क्षेत्र में कैलाश खत्री के घर से 32 लाख रुपए के कटे फटे पुराने और नए नोट जो हैं मिलाकर के जब्त किए, और इस दौरान जो एक्शन लिया वो बिना अधिकारियों को बताए, बिना प्रोटोकॉल का पालन किया। बाद में भी कुछ लापरवाहियां जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब इसकी पूरी जांच पुलिस टीम करेगी। इसमें कुछ लापरवाहियां जो पुलिस स्टाफ वहां पर दबिश देने गया था उनके लेवल पे सामने आई हैं, जिसमें उनको रेड के बाद जब वो लॉक लगवा करके आ गए थे, एक रूम में पूरा कैश था उसमें लॉक लगवा करके आ गए थे, उनके द्वारा कोई गार्ड वहाँ पर नहीं छोड़ी गई थी, जिस वजह से जो वहाँ पे CCTV कैमरा है उसमें ये तथ्य है कि उसके बाद लगभग 1 घंटे तक काफ़ी परिवहन कुछ बैग्स का किया गया है खत्री फैमिली के द्वारा। तो इसमें जो है जाँच की जा रही है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने क्रिप्टो एक्सचेंज तैयार कर पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी DGC और GDC फाइन में लोगों से इन्वेस्ट करवाया करते थे। आरोपी बिटकॉइंस की तरह लाभ का लालच लोगों को दिया करते थे। इन लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर लगभग 10,000 लोगों की ID बनाई और 5 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा किया, धोखाधड़ी की। पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि आरोपियों के तार दुबई से जुड़े हैं। इसे लेकर पुलिस UAE पुलिस के संपर्क में जाकर के उनके बारे में और डिटेल्स निकालेगी। ये पूरा नेक्सस कितने का है और कहां कहां तक फैला इसका पता लगाएगी। इसमें जो अगर अकाउंट की अमाउंट की बात करें तो करीब 3 से 4 करोड़ अमाउंट जो हमें
ट्रांजिशन में मिला है, जो हमें उनके आईडी से पता चला, ये करीब बाद में एक दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो गिरोह में शामिल हैं। और उज्जैन से एक बड़ी खबर दे दें, युवक चलते ऑटो के पीछे लटका है, रील बनाने के चक्कर में ऑटो पर लटक गया। हरी फाटक ब्रिज का ये वीडियो है, वीडियो वायरल हो गया है। नीलगंगा थाना पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कौन ये युवक है। उज्जैन की तस्वीर आप देखें, जहां रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालना, नियमों की धज्जियां उड़ाना अभी आम सा उछला है। हरी फाटक ब्रिज का ये वीडियो बताया गया, वायरल है वीडियो। एक युवक रील बनाते हुए ऑटो के ऊपर चढ़ा हुआ है, पिछले हिस्से पर चढ़ा हुआ है। चलिए अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आप देखिएगा कैसे रतलाम से आई इस तस्वीर को आप देखें। अलग अलग अंदाज में आपको पूर्व सीएम शिवराज दिखते रहे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहां भी एक अनोखा और अलग अंदाज दिखा। यहां शिवराज ने सीटी बजाई है, शिवराज के स्वागत में समर्थकों ने नारे भी लगाए। सबके चहेते मामा और भाई जिसके नाम से विख्यात हैं, वे प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर इन दिनों जा रहे हैं और इसी तरह एक मंच पर वे मौजूद थे और सीटी बजाई और सामने से तमाम लोगों ने उनका अभिवादन भी किया। इधर कटनी के माधवनगर पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई, लड़का और लड़की पक्ष को राजी करा करके मंदिर में ये ब्याह करवाया गया। प्रेमिका अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची थी। प्रेमिका का कहना था कि परिवार के दबाव में उसका प्रेमी उसे छोड़कर अब किसी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। प्रेमिका की बात सुनकर पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझा, लड़की और लड़के के परिजनों को थाने बुलवा लिया, दोनों पक्षों में राजीनामा करवाया। पुलिस की समझाइश के बाद लड़का और लड़की के परिजन शादी के लिए राजी हो गए और मंदिर में जाकर दोनों की शादी तभी करा दी। लड़की थी, उम्र बालिग थी उसकी, तो उसका कहना ये था कि जिससे उसका प्रेम संबंध चल रहा है वो शादी नहीं कर रहा है, घर वालों की मर्जी नहीं थी उसमें। लड़के लड़की दोनों पक्षों को बुलाया, उनको समझाया कि यदि आप शादी दूसरी जगह करते हैं तो उससे 3-4 घर बर्बाद होंगे। तो ये चीज़ को उन लोगों ने समझते हुए, चूँकि उनकी जात बिरादरी एक ही थी, तो वो तैयार हो गए। और जनसंवाद के माध्यम से हमने उनको तलब किया था दोनों पक्षों को, तो जनसंवाद के माध्यम से उनको समझाई देते हुए थाना परिसर में उनको समझाई दी, इसके पालन में उन्होंने शादी कर हमें सूचित किया गया। फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपनी किताब का नाम, जो उनकी किताब है प्रेगनेंसी बाइबल रखा और इसी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को एक नोटिस दे दिया। हाईकोर्ट ने इस पर उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में यह कहा गया है कि बाइबल ईसाइयों की पवित्र ग्रंथ है, किताब है। करीना ने अपनी बुक का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा और इसका जो कवर पेज है वो भी बाइबल के साथ में सूट नहीं करता, बाइबल उस पर लिखा हुआ है। ये दरअसल आस्था से, धार्मिक भावना से खिलवाड़ है। करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी के अपने अनुभवों को शेयर करते हुए 2022 में एक किताब लिखी है जिसका नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। आरोप यह है कि अपनी किताब को बेस्ट सेलर बनवाने और फायदा कमाने के लिए करीना कपूर खान ने ईसाइयों के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल का अपमान किया। जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथोनी नाम के वकील ने इसमें हाईकोर्ट में याचिका लगाई, करीना की किताब को बैन करने और करीना कपूर पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग इस याचिका में। याचिका पर सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान और उनकी किताब के पब्लिशर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हमर बानी हमर गोठ आप देखें, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट होगा। मेरी सहयोगी छाया अब से कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे।